आज के टॉपिक में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो कज़न मैरिजेज हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, फोर्स मैरिजेज हैं, और जो चौथी चीज़ थी अरेंज मैरिजेज, और ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। और वन बाय वन मैं सबसे पहले शुरू करूँगी कज़न मैरिजेज से। दुनिया में तकरीबन 10% जो मैरिजेज हैं वो कज़न मैरिजेज होती हैं, और कुछ कल्चर्स हैं जिनमें इनको लोगों में ये कज़न मैरिजेज होती हैं और उसको बुरा नहीं समझा जाता, जिसमें ऑस्ट्रेलियन हैं और कुछ इंडिजिनस कल्चर्स थे नॉर्थ अमेरिका के, कुछ साउथ अमेरिका के इलाके हैं, उसके अलावा पॉलिनेशियन कंट्रीज हैं, और अरब ममालिक में, मुसलमान ममालिक में कज़न मैरिजेस को बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि कल्चरली यू नो ना सिर्फ ये कि कल्चर में है बल्कि रिलीजन में, इस्लाम में भी कज़न मैरिजेस को बुरा नहीं समझा गया या मना नहीं किया गया। लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और कल्चर्स हैं जिसमें इसको लीगली प्रोहिबिट किया गया है, और उन ममालिक में मैं आपको बताऊँगी, चाइना है, ताइवान है, इंडिया है। इंडिया में कज़न मैरिजेस को बहुत बुरा समझा जाता है। कज़न मैरिज के तीन और वर्ड्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इनब्रीडिंग है, दूसरी कंसेंग्विटी है, और तीसरी इंसेस्ट है। और इंडियन कल्चर में इसको इंसेस्टियस बोला जाता है, यानी कि बहन भाइयों ने आपस में शादी की है। इन कल्चर्स में ये समझा जाता है कि कज़न्स जो हैं, जो फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं, वो आपके बहन भाइयों की तरह हैं, और इसमें शादी करना ऐसे ही जैसे आपने अपनी बहन से शादी कर ली है। और इन मुल्कों में चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका में भी तकरीबन 50 में से 24 रियासतों में, 24 स्टेट्स में कज़न मैरिज इज़ अलाउड है। और वो आप गूगल कर सकते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा हैरत वाली बात थी वो ये थी कि कैलिफोर्निया और जो न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी है, उसमें भी कज़न मैरिजेस को अलाउ किया गया है। और मेरे लिए इसलिए ये हैरत वाली बात है क्योंकि ये ब्लू स्टेट्स हैं। ब्लू स्टेट्स जो हैं वो लिबरल स्टेट्स होती हैं, और मैं ये कंजर्वेटिव जो हैं, क्योंकि ये सारे जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं, मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो, इन सब में ये इसको बुरा नहीं समझा जाता कज़न मैरिज को। तो ये मेरे लिए हैरत अंगेज बात थी। कज़न मैरिजेज इसलिए की जाती हैं ताकि फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो फैमिली में ही रहे, और ये भी कि ताकि फैमिली टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। मेडिकली मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी। नूरिया, वो जो पिक्चर्स हैं वो प्लीज़ आप लगा दें कि कज़न मैरिजेस का मेडिकली एक नुकसान ये है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हैं, जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हैं, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कज़न मैरिज में। और इसमें मैं आपको इस तरह से बताऊँगी कि आपके सामने पिक्चर है, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस इसको बोला जाता है। ऑटोसोम क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से एक जीन जो है आपके पास फादर से आती है, और एक जीन आपके पास, एक कॉपी उस जीन की, मदर से आती है। और अगर फादर, एक जीन जो फादर की डिफेक्टिव जीन है, समझें कि ये जो ऑरेंज कलर में है ये फादर की जीन, डिफेक्टिव जीन है, और जो ब्लू में है वो फादर की नॉर्मल जीन है, और इसी तरह मदर से आपको एक डिफेक्टिव कॉपी आएगी जो कि ऑरेंज में है, और जो नॉर्मल कॉपी है वो ब्लू में है। जब भी किसी फैमिली में ही शादी होगी तो क्योंकि आपकी शफलिंग इतनी नहीं हो रही है, जेनेटिक पूल आपका बिल्कुल छोटे से छोटा होता जाता है जब आप कज़न मैरिजेस करते हैं, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ जो होती हैं, जिस तरह से हंटिंगटन्स कोरिया है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़, जब एक ही डिफेक्टिव जीन आपको चाहिए और वो एक्सप्रेस करेगी, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो डिज़ीज़ शायद ट्रांसमिट ना हो क्योंकि आप कैरियर होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके बच्चों में उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स आ जाएं। अब आते हैं बैक टू दिस पिक्चर के फादर की एक डिफेक्टिव जीन है और मदर की एक कॉपी फादर से आती है, एक कॉपी मदर से, तो जो बच्चे होंगे उनमें चांसेस हैं सिर्फ 4 पेयर्स बनने के। या तो बच्चे में एक कॉपी जो माँ से आ रही है वो नॉर्मल जीन की आएगी, और जो बाप से आ रही है वो नॉर्मल जीन की आएगी। तो पहला जो बच्चा आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, इसमें दोनों जीन्स नॉर्मल हैं। दूसरी मिक्सिंग के चांसेस ये हैं कि एक बाप से डिफेक्टिव जीन आ गई ऑरेंज वाली,
और मदर से नॉर्मल जीन आ गए जो कि ब्लू में है। तीसरा पेयर का चांस ये है कि मदर से डिफेक्टिव जीन आ गई ऑरेंज वाली और फादर से नॉर्मल जीन आ गई ब्लू वाली। और चौथा हो सकता है कि दोनों ही मदर और फादर से डिफेक्टिव जीन्स आ जाएं। तो इसमें यह होता है कि जो पहला जो ब्लू वाला है उसमें दोनों जीन्स क्योंकि नॉर्मल हैं तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा और इसके ये अपने बच्चों में भी नॉर्मल जीन्स ही ट्रांसफ़र करेगा। ये जो बाकी जो दो बच्चे मिडल में हैं इसमें दोनों के ये क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव जो डिजीजेज हैं वो उस वक्त अपनी क्वालिटीज़ को उस इस नस्ल में शो नहीं करेंगी लेकिन ये कैरियर्स कहलाएंगे इस डिफेक्टिव जीन के। ये अपने से अगली नस्ल को यही डिफेक्टिव जीन पास ऑन कर सकते हैं। और अब ये जो चौथा बच्चा है क्योंकि इसमें दोनों डिफेक्टिव जीन्स आई हैं तो ये बच्चा इस डिजीज को इसी अपनी यही बच्चा शो करेगा और ये कैरियर नहीं है इसमें ये डिफेक्टिव जीन्स आ गई है। तो चांसेस ये हैं कि 25% चांस हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं ये एक ऐसा बच्चा पैदा करेंगे जिसमें ये डिजीज़ आ जाए। 50% चांस ये हैं कि जो जो बीच वाले बच्चे हैं कैरियर बच्चे पैदा करें जो कि अपने से अगली नस्ल को ये डिफेक्टिव जीन ट्रांसफर करें। और सिर्फ 25% चांस ये है कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा पैदा करेंगे जिसमें कोई डिफेक्टिव जीन ना हो। लेकिन अगर ये पेरेंट्स इन दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट में कोई डिफेक्टिव जीन नहीं है तो उस वो मतलब अगर आपकी खानदान से बाहर शादी हुई है तो चांसेस किसी डिफेक्टिव जीन के बहुत कम हो जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। नूरे इल्म, उस्मान अयूब और मदीहा टॉक्स, इस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन हमारे चैनल से कनेक्ट करें और हमें उनकी स्टोरीज पता चले और हम उनको मोटिवेट कर सकें और इंस्पायर कर सकें और हमें सीखने का मौका मिले।